कहानी के शुरू में हम एक झील को देखते हैं जो सूख चुकी थी। उसके आसपास की मिट्टी भी काली थी और इर्द गिर्द मरे हुए जानवरों के कंकाल भी पड़े थे। उसके दरमियान में एक सूखा पेड़ था जो दिखने में काफी डरावना था। इसके बाद सीन एक फैमिली पर शिफ्ट होता है जो इस झील से थोड़ी दूरी पर अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। जेस अपने दो बच्चों के साथ इस नए घर में आई थी। उसकी फैमिली में उसकी बेटी और एक छोटा बेटा ओविन था। उनके साथ एक डॉग भी था जो हमेशा उनके साथ ही रहा करता था। डॉग और ओविन की काफी अच्छी दोस्ती थी। यहाँ पर हमें जेस के बारे में कुछ बातों का भी पता चलता है। जेस पहले नशा करती थी और अपनी फैमिली पर जरा ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए उसके दोनों बच्चे उसके हस्बैंड अपने डैड के ज्यादा करीब थे। जेस अपने बच्चों से अलग हो चुकी थी मगर अब उसने अपने बच्चों की कस्टडी खुद ले ली थी। जेस अब बिल्कुल ठीक थी। बाहर जेस का बेटा अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है, तभी उसे एक शरारत सूझती है। वो छत पर चढ़कर छलांग लगा देता है जिससे जेस काफी डर गई थी। वो अपने बेटे ओविन को मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी लापरवाही की वजह से उसके बच्चे उससे अलग हो जाएं। ओविन जेस से अब माफी भी मांगता है। जब ये अंदर जा रहे थे तभी हम डॉग को देखते हैं जो खड़ा जंगल की तरफ देख रहा था। न जाने उसे क्या नजर आ रहा था। वो जोर जोर से भौंकता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उसी दिन रात को जब ये सो रहे थे तब भी डॉग बैठा लगातार जंगल की तरफ देख रहा था, जो काफी अजीब बात थी। पर तब भी जेस उस पर ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगले दिन जेस अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के घर छोड़ती है। तभी उसका हस्बैंड उसे एक एनवेलप देता है जिसको जेस नहीं खोलती और अपनी जॉब पर चली जाती है। जेस एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वो जाकर अपनी दोस्त से मिलती है, फिर एक मरीज से जिसका दुनिया में कोई भी नहीं था और वो औरत जिंदा नहीं रहना चाहती थी। पर जेस उसको बहुत समझाती है, कहती है देखो मेरी बात मानो, जिंदगी बहुत कीमती है। जिसके बाद हम जेस के बच्चों को देखते हैं जो घर वापस आ गए थे और आकर मछलियां पकड़ने उसी झील के पास जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। पर जब दोनों उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो झील सूख चुकी थी और ड्रावनी भी लग रही थी। पर तभी उधर उनका डॉग भागने लगता है और भागते भागते कीचड़ में फंस जाता है। ओविन और उसकी बहन दोनों उसकी मदद करते हैं। जब ये ऐसी हालत में घर जाते हैं जेस बहुत नाराज होती है। वो दोनों को डांटती है। जब ये रात को खाना खा रहे थे तो खाना ओविन को पसंद नहीं आता। जेस उसे कहती है बेटा प्लीज आज ये खा लो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना दूंगी। अगली सुबह ये देखते हैं ओविन का डॉग जंगल की तरफ देखकर बहुत भूख रहा था। इस बार तो भागकर वो जंगल में चला जाता है। ओविन भी उसके पीछे भागता है पर जंगल में एक लगी फेंस बाढ़ की वजह से रुक जाता है और उधर ही रुक कर वापिस से दोबारा अपने घर आ गया था। बैठकर अपने डॉग का इंतजार करने लगता है। वो अपनी मॉम से कहता है प्लीज आप जाएं उसे ढूंढें। पर जेस कहती है इंतजार करो, वो खुद ही आ जाएगा सुबह तक। अगली सुबह जब जेस अपनी जॉब से वापिस आती है तो उसे पता चलता है कि ओविन घर पर नहीं था, वो अपने डॉग को ढूंढने निकल गया था। ये अपने बेटे को ढूंढकर वापिस लाती है और उसे समझाती है कि बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो, वो वापिस आ जाएगा। रात को ओविन को अपना डॉग अपने घर के बाहर नजर आता है। ये सबको बता देता है। जेस भी उसके पीछे जाती है पर ओविन का डॉग कुछ अजीब था। उसकी आंखें भी पीली हो गई थी जो दिखने में काफी डरावनी थी। देखते ही देखते डॉग ओविन पर हमला कर देता है, उसकी टांग पर काट लेता है। जब जेस उसे छुड़वाने की कोशिश करती है तो वो डॉग ओविन के गले पर भी काट लेता है जिससे अब ओविन काफी जख्मी हो गया था और बहुत खून भी निकल रहा था। जेस उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। उधर जेस का हस्बैंड भी आ गया था जो उस पर बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है, कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जेस कहती है याद करो वो डॉग तुमने ही ओविन को दिया था। खैर ऑपरेशन के बाद ओविन की हालत बेहतर हो गई थी, उसको होश आ जाता है तो जेस उसको खाना खिलाती है। पर ओविन को खाना पसंद नहीं आ रहा था, उसका जायका उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जेस को ये लगता है शायद ये उसकी तबीयत की वजह से ऐसा है, पर ऐसा क्यों था, क्या हो रहा था ओविन के साथ, इसका पता हमें थोड़ी देर बाद ही चलेगा। अगले सीन में हम ओविन को देखते हैं जिसकी हालत अब ज्यादा खराब हो गई थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, इसीलिए वो ओविन को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसका खून टेस्ट करवाते हैं। पर इनसे भी डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद ओविन को जब होश आता है तो वो उसी
उनको पी जाता है जो उसे चढ़ाया जा रहा था। जेस ये देखकर काफी परेशान हो जाती है, पर इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब ओवेन को फोन ना मिलने की वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए जेस उसको लगातार खून पिलाती है। ये खून वो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से चुराया करती थी। जब ओवेन घर जाता है तो जेस हॉस्पिटल से बहुत से खून के पैकेट चुरा कर ले आई थी। वो अपनी बेटी से छुपा कर ओवेन को खून पिलाती थी। एक दिन ओवेन की जरूरत हद से बढ़ जाती है, वो सारे के सारे पैकेट्स एक साथ ही पी जाता है। जेस जब ये देखती है काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बेटे को हुआ क्या था। अब उसे हर जगह से खून मिलना भी बंद हो गया था, इसीलिए जेस अपने बेटे को जानवरों का खून पिलाना शुरू करती है। पर जानवर का खून पीते ही ओवेन की हालत खराब हो जाती है। जेस के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो ओवेन को अपना ही खून निकाल कर पिलाने लगती है। वक्त के साथ साथ ओवेन की खून पीने की चाहत अब बढ़ती जा रही थी, जिससे जेस बहुत परेशान थी। इसी वजह से उसने उसे स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। एक दिन जेस रिसर्च करती है कि आखिरकार उसके बेटे को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है कि वो सिर्फ इंसानों का खून ही पीना चाहता है। पर जेस को इसका कोई जवाब नहीं मिलता। अपना खून पिला पिला कर उसकी हालत भी अब अच्छी नहीं थी। जेस को किसी और इंसान की जरूरत थी जिसका खून वो अपने बेटे को पिला सकती। अगली सुबह उसका हस्बैंड बच्चों को लेने आता है। जेस इस बात से बहुत परेशान थी। वो एक बोतल में अपने बेटे को खून देती है, कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर ये हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर फिर से उस मरीज औरत ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। जेस को यहाँ पर आइडिया आता है। वो उस औरत का कई बार खून निकालने की कोशिश करती है पर कामयाब नहीं हो पाती। अगले दिन उस औरत को हॉस्पिटल वाले जाने का बोलते हैं, क्योंकि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके पास जेस आती है और उसको घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। वो औरत कहती है, तुम्हारी वजह से जेस मुझे जिंदगी की समझ आई कि कितनी कीमती होती है। पर वो बेचारी ये बात नहीं जानती थी कि जेस ही उसकी अब जान लेना चाहती थी। जेस उस औरत को बेहोश करके अपने घर की बेसमेंट में बांध कर बंद कर देती है और फोन निकालने लगती है। जब उस औरत को होश आता है, जेस उससे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दें, ये मेरी मजबूरी है वरना मेरा बेटा मर जाएगा। जेस अपने बेटे के साथ अब काफी वक्त गुजारती थी, उसे स्कूल भी नहीं भेजती थी। जेस की बेटी को सब कुछ पता था, पर फिर भी वो अपनी मॉम को कुछ नहीं कहती। एक दिन वो बेसमेंट को देखती है जहाँ पर ताला लगा हुआ था, इसीलिए जब जेस घर पर नहीं होती तो उसकी बेटी खिड़की से बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर वो उस औरत को बंधा हुआ देखती है जो काफी बुरी हालत में थी। जेस की बेटी उसे छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर तभी उधर जेस आ गई थी। उसकी बेटी उसे देखकर छुप जाती है। जेस भी समझ चुकी थी कि उसकी बेटी यहीं पर है। अब वो सारी बात अपनी बेटी को भी बताती है कि वो उसके भाई की वजह से ये सब कर रही है। वो भी ये सब बातें सुनकर जेस का साथ देने के लिए तैयार थी। जेस एक दिन जब बेसमेंट में उस औरत का खून निकालने जाती है तो वो औरत इस बार खुद ही खून देने के लिए तैयार थी, इसीलिए जेस उसको खोल देती है। पर इसी बात का फायदा उठाकर वो औरत जेस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त पुलिस भी जेस के घर आ गई थी, जो उसी औरत को ढूंढ रही थी जिसको जेस ने अगवा किया था। पर किसी तरह जेस उसको दोबारा से बेहोश करती है और फिर ऊपर जाकर पुलिस से बात करती है। अगली सुबह जेस के बच्चों को उसके हस्बैंड के घर जाना था। जेस अपनी बेटी को उसके भाई का ख्याल रखने का कहती है। वहां जाकर ओवेन अपने डैड की दूसरी बीवी को बड़े गौर से देख रहा था और उसका खून पीने का सोचता है, लेकिन उसकी बहन साइड पर ले जाकर उसको समझाती है और थोड़ा सा खून पीने के लिए देती है, पर वो सारा खून ही पी गया था। ओवेन की बहन अब समझ चुकी थी कि ओवेन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर से कंट्रोल को खो रहा है। जब वो वापस आती है तो सारी बातें अपनी मॉम को बताती है, पर जेस अपने बेटे को और खून देने की बात कर रही थी। फिर ये लोग घूमने जाते हैं। जेस जब अपने घर वापस आती है तो बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। वो औरत यहाँ से भाग चुकी थी जिसको जेस ने कैद किया हुआ था। वो भाग कर जंगल की तरफ जा रही थी। उसके पीछे ओवेन पे जाता है। वो औरत तेजी से भागते हुए ध्यान नहीं देती और जंगल में लगी फेंस बाढ़ से उसका गला कट जाता है।
वहाँ पर उसके पास ओवन भी आ जाता है। बाद में जेस भी, पर जेस आकर अजीब सा नजारा देखती है। ओविन उस औरत का खून पी रहा था जो काफी डरावना था। जेस सबसे पहले उस औरत की लाश को छुपाती है। अगली सुबह जेस फिर से ओविन को अपना खून देती है, पर अब वो इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे को और अपना खून पिला पाती। लेकिन ओविन बार बार खून मांग रहा था। तभी उसके घर पर जेस का हस्बैंड आता है जो साथ एक ऑफिसर को लाया था, क्योंकि उसका कहना था कि जेस उनके बेटे को स्कूल नहीं भेज रही। दूसरी तरफ हम जेस की बेटी को देखते हैं जो उसी झील के पास जो पेड़ था उसकी तरफ देख रही थी। वो जब उस पेड़ के पास जाती है तो उसे कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। वो वापिस आकर जेस को बताने की कोशिश करती है, पर जेस का हस्बैंड उसे बात नहीं करने देता और गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद से दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद जेस फिर से अपना खून निकालने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बेटे को खून पिला सके। उधर जेस के हस्बैंड के घर पर ओविन अपने डैड की दूसरी वाइफ के बेटे का खून पीने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन आकर उसे रोकती है, जिसके बाद वो उसे उसी जंगल में ले जाती है। वो उसको बताती है कि मैंने उस सूखे पेड़ के अंदर कुछ देखा है। वो कहती है कि मैं उस पेड़ को जलाने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूँ। पर ये बात सुनते ही ओविन उस पर हमला कर देता है। ओविन की आंखें भी उसकी डॉग की तरह ही पीली हो गई थी। उसके चेहरे पर उसकी नसें नजर आ रही थी। ओविन का ये रूप देखकर उसकी बहन डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उनके डैड उन्हें ढूंढते हुए जेस के पास जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद उनके बच्चे जेस के पास हों, जबकि वो वहाँ पर नहीं थे। जेस भी अपने बच्चों के बारे में सुनकर काफी डर जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने उसे सूखे पेड़ के बारे में बताया था। ये फौरन वहाँ पर जाती है। वहाँ जाकर तो अजीब ही नजारा था। देखती है कि ओविन बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। वो अपनी ही बहन का खून पीने की कोशिश कर रहा था। जेस आकर ओविन को समझाती है, पर उसकी बेटी कहती है, मॉम ये हमारा ओविन नहीं है। ओविन बिल्कुल एक शैतान में बदल चुका था। जेस उसको वहीं उसी मिट्टी में दबाकर मार देती है। ये काफी दुखी सीन था। जिस बेटे के लिए जेस इतना कुछ कर रही थी, अब उसे ही मारना पड़ता है। ओविन मर चुका था। जेस अपनी बेटी को कहती है कि इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताए। सबको ओविन की मौत का हादसा बताती है, पर उसके बेटे की मौत की वजह से उसकी बेटी की कस्टडी भी उससे छीन ली गई थी। जाते हुए उसकी बेटी कहती है, जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया मॉम आपने। जेस को देखते हैं जो उस पेड़ को आग लगा देती है और फिर एक डॉग के साथ ऐसे खेलती है जैसे ओविन अपने डॉग के साथ खेलता था। वो डॉग भी खेलते खेलते जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। अगर बात करें उस पेड़ की, तो उसमें कोई ऐसा क्रिएचर था जिसने पहले ओविन के डॉग के अंदर वायरस को डाला और डॉग के काटने से ओविन के अंदर वो वायरस गया। पर इन सब में जेस ने अपने बच्चों को खो दिया था। जेस ने भी जो उस औरत के साथ किया वो गलत था, पर एक माँ होने की वजह से वो तो बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी, जिसको आखिर में उसे खुद ही मारना पड़ा सबको बचाने के लिए। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।